नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार ड्यूरेशन ट्विस्टर में। दोस्तों, हम हमारा वक्त अच्छा बिताने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, लेकिन उन जगहों की पूरी जानकारी हमें नहीं होती और ऐसी ही जगहों के अलग अलग अनुभव हमें आते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव हम आज आपको बताने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो साल था 2015 का, गर्मी के दिन थे और मैं पिछले कुछ सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था और इसीलिए मुझे किसी भी समय और किसी भी जगह वो सामान ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था। हमारी कंपनी प्राइवेट होने के कारण मुझे कई बार देर रात तक काम करना पड़ता था। ऐसे ही मैं उस दिन मेरा काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। उतने में मेरे मालिक का मुझे फोन आया। अरे सुमित, तुझसे एक काम था, जरा कैबिन में आएगा क्या? ये सुनकर मैं तुरंत उनके कैबिन में गया। मुझे देखते ही वो कहने लगे, सुमित यार बुरा मत मान, लेकिन एक अर्जेंट काम है। मेरे मालिक के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। मुझे लगा कि शायद एक आध ट्रिप मुझे मारनी पड़ेगी या कहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ सर बोलिए ना, क्या हुआ? वैसे ही उन्होंने कहा, अरे हमें एक डेड बॉडी हॉस्पिटल से उसके परिवार वालों तक पहुँचानी है। उनकी वो बात सुनते ही मेरी धड़कन थोड़ी बढ़ गई। सर डेड बॉडी? मैंने डरते हुए कहा। हाँ, मेरे दूर के एक रिश्तेदार है, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, कुछ देर में मिलेगी। हमारे पास एम्बुलेंस होने के कारण उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं तुमसे नहीं कहता, मगर कंपनी का एम्बुलेंस ड्राइवर छुट्टी पर गया है, इसीलिए कंपनी में ड्राइवर सिर्फ तुम हो, मालिक ने कहा। तभी असल में हमारी कंपनी में दो एम्बुलेंस थी, मालिक ने ही लोगों के सेवा के लिए रखी थी। लेकिन मैं इसके पहले कभी भी डेड बॉडी लेकर नहीं गया था, लेकिन मुझे ज़्यादा डर इस बात का था कि मुझे वो काम रात में पूरा करना था। मालिक ने कहा, सुमित प्लीज़ इतना काम कर, चाहिए तो मैं तुझे ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी और ओवर टाइम के पैसों के लिए मैंने हाँ कर दी। डर लग रहा था, किसी को भी लगता, लेकिन मैंने वो काम पूरा करने का फैसला किया। मैंने कंपनी से एम्बुलेंस निकाली और सीधे हॉस्पिटल पहुंच गया। फिर सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद डेड बॉडी मेरे हवाले कर दी गई। जब वो सफ़ेद कपड़े में लपेटी हुई लाश एम्बुलेंस में रखी जा रही थी, तब मेरी धड़कनें जोर जोर से बढ़ती जा रही थी। लाश देखने की ये मेरी पहली बारी नहीं थी, मगर ये डेड बॉडी लेकर मैं रात में सफ़र करूँगा, इस सोच से ही मुझे डर लग रहा था। मैं एम्बुलेंस की गाड़ी में बैठ गया और एम्बुलेंस स्टार्ट करके उस गांव की दिशा में चलने लगा जहां पर वो लाश पहुंचानी थी। मैंने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, तब वो पीछे रखी हुई लाश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। गाड़ी अब मेन रोड पर चलने लगी। समय रात के 12 बज रहे थे। मुझे उस गांव में पहुंचने के लिए 2-3 घंटे तो लगने वाले थे और वो रास्ता अब सुमसाम होने लगा था। मैं अकेला ही उस रास्ते से एम्बुलेंस भगा रहा था। बीच में ही जंगली कीड़ों और पंछियों की आवाज़ कान पर पड़ती थी। रास्ता घाटी का होने के कारण काफ़ी अंधेरा छा गया था और स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम थी। मैं स्टेयरिंग घुमाकर उस घाटी के मोड़ पर से एम्बुलेंस घुमा रहा था। उतने में मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन मेरी माँ का था। मैंने एक हाथ से फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाला। सुमित बेटा 12 बज गए हैं, अभी तक तेरा पता नहीं है, कहाँ है तू? माँ थोड़े गुस्से में बोली। माँ आने ही वाला था, लेकिन उतने में मालिक ने एक काम दे दिया। मैंने माँ से कहा। मतलब फिर से तुझे कहीं बाहर भेज दिया क्या गाड़ी लेकर? माँ ने कहा। अब मैं उसे बताने ही वाला था, लेकिन रुक गया, क्योंकि अगर मैं उससे कहता कि मैं एक डेड बॉडी लेकर जा रहा हूँ और वो भी आधी रात को, तो वो बेकार में रात भर चिंता करती, डर जाती। एक तो पहले ही वो मुझसे कह रही थी कि ये काम छोड़ दो, दूसरा देखो। ये सब याद आते ही मैंने माँ से कहा, माँ गाड़ी में कुछ सामान है, वो एक जगह पर पहुँचाना है, आ जाऊँगा मैं कुछ घंटों में। और तेरे खाने का क्या? उसने चिंता से पूछा। माँ है इस रास्ते पर कुछ होटल, मैं वहाँ पर खाना खा लूँगा। मेरी ये बात सुनते ही वो बोली,
तू अकेला है या कोई है तेरे साथ? मेरे साथ? लेकिन क्यों? मैंने कहा। अरे मुझे किसी की अजीब सी हंसने की आवाज़ आई और तेरे अलावा भी कोई बोल रहा है ऐसा लगा। माँ की ये बात सुनकर मैंने कहा, नहीं तो शायद वहीं पर कोई बोल रहा होगा। माँ, नहीं बेटा, तेरे फ़ोन से ही आवाज़ आई। माँ की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। ठीक है, मैं करता हूँ बाद में फ़ोन, अब गाड़ी चला रहा हूँ, बाय। मैं फ़ोन रखते ही सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो गाड़ी में अकेला ही हूँ, फिर हंसने या बोलने का आवाज़ माँ को कैसे सुनाई दे सकता है? क्योंकि सच में मैं गाड़ी में अकेला था, मतलब जिंदा तो मैं ही था, पीछे तो लाश रखी थी। मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन वो लाश अब भी वैसे ही पड़ी थी। मेरे अकेले होने के बावजूद किसी और का आवाज़ माँ को कैसे सुनाई दिया? इसी सोच में मैं गाड़ी आगे आगे भगा रहा था, लेकिन अब गियर डालते वक्त या किसी भी तरह का आवाज़ सुनाई देने पर मेरे दिल का पानी पानी हो जाता था। आगे इसी रास्ते पर मुझे दाई तरफ एक ढाबा दिखा। पहले ही काफ़ी भूख लगी थी और वो ढाबा वहाँ दिखते ही मैंने वहाँ खाना खाने का फैसला किया। ढाबे पर कुछ गिने चुने ही लोग थे। मैंने तुरंत एम्बुलेंस साइड में लगाई और ढाबे में चला गया। मुझे अब मेरे ही गाड़ी का डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से खाने की ऑर्डर दी और सामने के टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने फटाफट अपना खाना ख़त्म किया और काउंटर पर बिल देने के लिए गया। कितना हुआ बिल? 200 रुपये, उस ढाबे वाले ने कहा। मैंने मेरे जेब से पैसे निकाले और उसे देने ही वाला था कि उतने में वो बोला, भाई साहब वो एम्बुलेंस आपकी है क्या? मैं भी थोड़ा डर गया और बोला, हाँ, लेकिन क्या हुआ? मैंने उसे पैसे देते हुए कहा। हाँ क्या? नहीं, एक औरत उस एम्बुलेंस में बैठी थी और वो आपको अजीब नज़र से देख रही थी खाना खाते वक्त। औरत? कौन औरत? मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। जब उस ढाबे के मालिक ने फिर से एम्बुलेंस की तरफ देखा तब उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अरे अभी तो वही बैठी थी, कहाँ गई वो औरत? उस ढाबे के मालिक ने कहा। भैया कोई औरत मेरे साथ नहीं है, क्या कह रहे हो आप? मेरी ये बात सुनते ही उसने कहा, अच्छा फिर कोई चोर वगैरह हो सकता है। उसकी ये बात सुनते ही मैं तुरंत एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। सच में कोई चोर वगैरह होगा तो? लेकिन एम्बुलेंस के नज़दीक आते ही मुझे पता चला कि मैंने दरवाज़ा तो बाहर से लॉक किया है, अंदर कोई कैसे जा सकता है? गाड़ी के आजू बाजू देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। फिर ये ढाबे वाला किस औरत की बात कर रहा था? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वो ढाबे वाला मुझे अजीब नज़र से देख रहा था और कुछ इशारे कर रहा था। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तब मुझे उस अंधेरे में खड़ी मेरी एम्बुलेंस दिख रही थी। ये पागल वगैरह है क्या? मुझे पहले ही देर हो रही थी इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एम्बुलेंस में आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके तुरंत रास्ते की दिशा में बढ़ने लगा। मैं सोचने लगा कि कौन सी औरत, क्या सच में उस ढाबे वाले को कोई दिखा था क्या? और उतने में मेरा ध्यान गाड़ी के सामने वाले शीशे में गया और वो दृश्य देखकर मेरे पैर के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। एम्बुलेंस की पिछली तरफ उस लाश के पास एक औरत बैठी हुई मुझे दिखाई दे रही थी और उसकी नज़र मेरी ही तरफ थी। एक झटके में मेरा पैर ब्रेक की तरफ गया। गाड़ी स्पीड में थी, गाड़ी के पहिए रोड पर घिसने की आवाज़ आई और लगभग गाड़ी रोड के बाहर उतर गई क्योंकि वो झटका मेरे लिए बहुत डरावना था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ गया। गाड़ी रुकने के बाद मैंने अपनी छाती पर हाथ रखकर फिर से पीछे मुड़कर देखा लेकिन तब भी मुझे उस अंधेरे में कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। छाती डर के मारे जोरों से धड़क रही थी, मतलब वो ढाबे वाला सच कह रहा था, मेरे एम्बुलेंस में कोई अनजान औरत बैठी थी। लेकिन वो कौन थी और पीछे कैसे चढ़ी ये मुझे समझ नहीं रहा था। और जाहिर सी बात है कि जब गाड़ी में आपके और लाश के अलावा और कोई भी ना हो और अचानक आपको तीसरा इंसान दिखे तो पहले ही मन में भूतिया सोच आने लगती है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके गाड़ी के नीचे उतरा और एम्बुलेंस के पिछली तरफ गया। मुझे अच्छे से याद था कि मैंने पिछला दरवाज़ा पूरी तरह से बंद किया था, फिर वो औरत गाड़ी में कैसे आई? दरवाज़ा खोलते वक्त मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी और फिर मैंने वो दरवाज़ा खोला। उस घने अंधेरे में भी मुझे वो सफ़ेद कपड़े में लपेटी हुई लाश दिख रही थी और उसके बगल में बैठी हुई वो औरत भी। उसने पहनी हुई वो लाल साड़ी मुझे अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसका वो चेहरा और अजीब सी निगाहें मेरे ही तरफ थी। मैंने हिम्मत करके उससे कहा, हेलो मैडम, कौन हो आप
और यहाँ क्या कर रही हो? उतरो गाड़ी से। ये सब कहते वक्त मेरी रूह अंदर से कांप रही थी, लेकिन मेरी ये बातें सुनकर वो औरत जगह से उठी और मेरे तरफ बढ़ने लगी। अब मैं उसका चेहरा पहली बार देख रहा था। उसके चेहरे पर एक विचित्र हंसी थी। पैर में चप्पल वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उसकी साड़ी नई लग रही थी। हाथ में हरी चूड़ियाँ थी। मुझे छोड़ोगे क्या वहाँ? उसने मुझसे पूछा। कहा, और मैं आपको क्यों छोड़ूं? वही जहाँ आप जा रहे हो, उसने कहा। मुझे लगा कि ये औरत कोई पागल वगैरह है, क्योंकि वो एक लाश के पास अंधेरे में बैठी थी। कितनी डरावनी और अजीब बात है ना, क्योंकि ऐसी हरकत या तो कोई पागल कर सकता है या तो कोई। नहीं नहीं, मैंने मेरी सोच रोकी, क्योंकि ऐसा भयानक विचार मुझे ऐसे भयानक जगह पर नहीं करना था। मैडम, आपको पता भी है क्या आप अभी किसके बगल में बैठी थी? मैंने उस लाश की तरफ देखते हुए कहा। उसने भी उस लाश की तरफ देखा और बोली, हाँ पता है, लाश के पास बैठी थी मैं। लेकिन उसमें इतना डरने जैसा क्या है? सभी लोग मरते हैं, आप भी मरोगे एक दिन। उसकी ये बात सुनते ही मुझे पहले उसका गुस्सा आया, लेकिन थोड़ा डर भी लगा। लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर देने के बाद वो पागल है ऐसा मुझे लगा। तुम पहले मेरे गाड़ी के नीचे उतरो, नहीं तो मैं खुद तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, मैंने थोड़ा गुस्से में उससे कहा। वो औरत नीचे उतरी और मैंने पिछला दरवाज़ा बंद किया। अरे भैया, छोड़िए ना मुझे वहाँ, क्या ही जाएगा आपका? ऐसी अकेली औरत को इतने भयानक जंगल में आप अकेला छोड़ोगे क्या? उसने मुझे रोते रोते कहा। उसका रोना चालू हुआ। वैसे ही मुझे भी थोड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन उस औरत की ही गलती थी, इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए कहा। देखिए, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। ऐसे किसी के भी गाड़ी में आप बिना पूछे नहीं बैठ सकती। इस पर उसने भी कुछ नहीं कहा। इतने में मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया और मुझे टेंशन ही आया, क्योंकि रात के 2 बजकर गए थे। बाप रे, 2 बज गए, मेरा काफ़ी समय बर्बाद हो चुका था। मैं उस औरत को अनदेखा करके एम्बुलेंस की कैबिन की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया और गाड़ी की चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। शिट यार, अब ये क्या नहीं पनौती है, एक तो पहले ही देर हो गई है। मैंने फिर से चाबी लगाई, लेकिन फिर वही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा और खुद को ही 2-3 गालियाँ दी। मुझे लिए बिना जा रहे हो ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, वो औरत अचानक खिड़की के बाहर से बोली। वो इतने अचानक आई कि मेरी जान ही हलक तक आ गई। मैंने गुस्से में बिना कुछ कहे फिर एक बार चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी स्टार्ट हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन वो औरत जोरों से हंसने लगी। मैंने उसे अनदेखा करके गाड़ी का गियर डाला और गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही दूर जाते ही वो औरत कहा है कि देखने के लिए मैंने बाएं तरफ के आईने में देखा, तब वो औरत वहाँ नहीं थी। मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे गाड़ी निकाले हुए कुछ ही सेकेंड हुए थे, फिर वो औरत इतने जल्दी कहाँ गायब हो गई। मेरे दिमाग में फिर से भयानक विचार आने लगे। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, तब वो औरत फिर उसी लाश के पास बैठी। वो देखकर तो मेरे हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। वो अचानक वहाँ कैसे आई मुझे समझ नहीं रहा था, क्योंकि इस बार तो मैंने पिछला दरवाज़ा अच्छे से बंद किया था, लॉक भी किया था। मेरे मुँह से तभी सिर्फ भगवान का ही नाम निकल रहा था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, मैं अपने आप से कहने लगा। मैं समझ चुका था कि ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। मुझे अब कुछ भी करके उस गांव में पहुंचना था, और अब मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ भगवान का नाम लेते लेते गाड़ी भगा रहा था। उस गांव में पहुंचने तक मेरे जान में जान नहीं थी, क्योंकि मुझे कब क्या दिख जाता इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हनुमान चालीसा जपने की वजह से मुझे अलग ही ऊर्जा मिल रही थी, और 1.5 घंटे का सफ़र काटकर मैं उस गांव में पहुंच गया। गांव में आते ही मेरे जान में जान आई। मैं बताए हुए पते पर पहुंचा। उस लाश के रिश्तेदार मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं वहां पहुंचा और वो सब गाड़ी से लाश निकालने लगे। वो लाश बाहर निकालते वक्त मेरे छाती में धड़धड़ हो रहा था। उन्होंने वो लाश बाहर निकाली और वहाँ सब रोने लगे। कुछ लोगों ने लाश का चेहरा खुला किया। मैं वही था, और वो चेहरा देखते ही मेरा दिमाग सुन पड़ गया, क्योंकि उस लाश का चेहरा उसी औरत जैसा था। मतलब मेरे गाड़ी में बैठी हुई औरत यही औरत थी। नहीं, औरत नहीं, भूत। मेरे तुरंत रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और घर आने के लिए निकल पड़ा। मेरे आंखों के सामने अब भी उस औरत का चेहरा था। डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। अगर मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं होती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। इसी सोच से मेरी रूह कांप रही थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने आगे का सफ़र काटा और मेरे घर पहुंचा। लेकिन वो घटना इतनी भयानक थी कि मुझे उसका झटका लग ही गया। अगले ही दिन मुझे तेज़ बुखार आ गया, लेकिन फिर मेरी माँ ने मेरी वो नौकरी छुड़वा दी। हनुमान जी की कृपा से मैं उस भयानक हादसे से सही सलामत बच गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ये कहानी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार और भयानक कहानी के साथ। धन्यवाद।